उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, उसका मैं फॉलो अप किया था और हमें रेडियस दिए हुए थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट का होता है, हमने किए थे उसमें सिर्फ हमें रेडियस दिया हुआ था और उससे हमें एरिया फाइंड करना है फार्मूला लगा के। आज हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हूज डायमीटर इज 6.2 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, हमारे पास सर्कल है ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो सर्कल के इसकी बाउंड्री से बाउंड्री का क्या डिस्टेंस, यानी कि वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है वो सर्कल के सेंटर से पास करती है, इसको बोलते हैं डायमीटर। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था इसको। और रेडियस क्या होता है, सेंटर सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, मींस दो रेडियस को मिला दी तो डायमीटर बनता है, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ था, 6.2 सेंटीमीटर। एरिया में फाइंड कर रहे हैं, तो हमने अभी कहा कि दो रेडियस को मिला दे तो क्या बनता है, डायमीटर, ठीक है। इधर से हमें रेडियस फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, वो हम लोगों ने डिस्कस की थी, कितनी है 3.1 है। और मेंस इधर हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, रेडियस। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, इनके डायमीटर को 2 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि इधर 2 रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाकर डायमीटर के नीचे डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास डायमीटर की वैल्यू क्या है, 6.2 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, 3.1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फार्मूला एरिया का क्या होता है, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस हमने भी फाइंड किया, वो कितना है, 3.1 है सेंटीमीटर, और उसका ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास आया 9.61, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.14 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 30.1754 सेंटीमीटर है स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 15.5 सेंटीमीटर फाइंड एरिया। इसमें भी हमने एरिया फाइंड करना है, डायमीटर में दिया हुआ है, तो सेम वही के डायमीटर से हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। तो डायमीटर को 2 में डिवाइड करेंगे, जैसे ही हमने किया था, हमने डायमीटर को 2 में डिवाइड कर दिया, ये क्या आएगा हमारे पास रेडियस। तो डायमीटर का वैल्यू क्या है, 15.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, रेडियस 7.75 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का 3.14 ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है, और रेडियस की वैल्यू हमने मान ली 7.75 सेंटीमीटर, और इसका उत्तर क्या आएगा, स्क्वायर। जब दोनों इसका हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसको हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अभी हमने एरिया फाइंड किया तो हमें पता है कि एरिया के जो यूनिट होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं। जो भी हमें यूनिट दिया होता है, सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, रेडियस में डायमीटर में, तो जो हमारे पास एरिया का आंसर आएगा उसमें सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44.588 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो हमने सर्कमफेरेंस में पढ़ा हुआ है, क्या होता है सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। फाइंड हमने क्या करना है इसमें, एरिया। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू है हमारे पास फिक्स है इसकी, और रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है वो कितना है, 44.588 सेंटीमीटर। एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो सर्कमफेरेंस है वो किससे इक्वल होता है, 2πr के। तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू लगा देंगे इधर जो भी है, इधर हमारे पास टू एज इट इज, पाई का 3.14, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6.28। ये 6.28 जब जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7.1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अगेन पाई आर स्क्वायर, पाई का 3.14, आर की वैल्यू भी फाइंड की है 7.1, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 50.41। तो जब दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल। ये था क्लास क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है, टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल
आपने पढ़ा होगा सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री जो होती है बाई बाई, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। और इसके अंदर वाला रीजन जितना भी है इसको बोलते हैं कि क्या, इसका एरिया, ठीक है। अभी हमें ये अंदर वाला जो रीजन है सर्कल के, ये दिया हुआ है और बताना है कि इसकी बाउंड्री कितनी है, ठीक है। उसके लिए अभी हमारे पास एरिया कितना है, 54.95 मीटर स्क्वायर। सर्कल के लिए हमें फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है। इसमें हमें चाहिए क्या है, एक पाई वैल्यू चाहिए और एक आर वैल्यू चाहिए। पाई वैल्यू फिक्सर 3.14 और आर वैल्यू हमें चाहिए, तो वो पैसे में मिलेगी। गिवन तो हम क्या करेंगे कि एरिया की वैल्यू को यूज करते हुए इधर से रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करने के बाद इस बात को हम पुट कर देंगे और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट आवर आंसर, ठीक है। एरिया क्या है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू दी हुई है 54.95 और पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। ये वैल्यू इधर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, उधर जाकर उस वैल्यू के नीचे डिवाइड हो जाएगी और जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70.5, ठीक है। तो आफ्टर इसके बाद हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, इधर आर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन है बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, हमें इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.2 सेंटीमीटर। अभी देखिए हमारे पास रेडियस आ गया, सिंपल आगे क्या करेंगे, इसमें सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2π r, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और r की वैल्यू हमने फाइंड की है 4.2 सेंटीमीटर। जब तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ